दाभी आईपीटीवी सच आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम क्रिकेट की कुछ नई खबरों के साथ। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट इतिहास का वो सुनहरा मौका आ गया जब भारत भी अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच बांग्लादेश के साथ खेलेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पहले डे नाइट टेस्ट मैच भारत बांग्लादेश को हराए तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता का इंडियन गार्डन स्टेडियम भारत में पहली बार खेले जाने वाले दिन रात टेस्ट मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत और बांग्लादेश के बीच आज यह ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। बांग्लादेश भी पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच खेलेगा। ऐसे में दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस मैच पर टिकी हुई है। दोस्तों, यह मैच दोपहर 1 बजे से कोलकाता के इंडियन गार्डन में शुरू होगा। दोस्तों, आपको बता दें डे नाइट टेस्ट के अब तक कुल 11 मैच खेले जा चुके हैं और अब 12वां मैच भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा और इस मैच को भारत हर हाल में जीतकर इतिहास रचना चाहेगा तो वहीं बांग्लादेश भी अपने पहले डे नाइट टेस्ट मैच को जीतकर इतिहास बनाना चाहेगी जिसके लिए बांग्लादेश भी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। तो दोस्तों, इस मैच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगा क्योंकि कोई भी टीम हार कर अपना इतिहास खराब करना नहीं चाहेगी। तो वहीं ओपनर मयंक अग्रवाल के पास आज के मैच में यादगार रिकॉर्ड्स बनाने का बहुत बड़ा मौका है। दरअसल आज के ऐतिहासिक मैच में मयंक अग्रवाल महान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के 89 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। ब्रैडमैन ने साल 1930 में मात्र 13 पारियों में टेस्ट क्रिकेट के 1000 रन बनाने का कारनामा किया था। मयंक अग्रवाल अब तक 8 टेस्ट के अपने करियर की 12 पारियों में 858 रन बना चुके हैं। अगर वह कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में 142 रन और बना लेते हैं तो फिर वह 13 पारियों में 1000 रन पूरे करने के मामले में ऑस्ट्रेलियाई के दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन की बराबरी कर लेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मयंक ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे? कमेंट जरूर करें। तो वहीं कप्तान विराट कोहली के पास भी रिकॉर्ड की बराबरी करने का शानदार मौका है। आपको बता दें कोहली अभी तक 40 अंतर्राष्ट्रीय शतक बना चुके हैं और अगर ऐसे में कोहली बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में शतक जड़ देते हैं तो वे रिकी पोंटिंग के 41 अंतर्राष्ट्रीय शतकों की बराबरी कर लेंगे। दोस्तों, अगर बात करें आज के मैच में होने वाले बदलाव की तो पहले टेस्ट में जीत के हीरो विराट कोहली किसी को भी हटाना नहीं चाहेंगे क्योंकि सभी खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया है। तो आज के मैच में टीम इंडिया इस प्रकार रहेगी: ओपनर रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल, मिडिल ऑर्डर में चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और विकेट कीपर रिद्धिमान साहा, जबकि स्पिन की कमान रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन संभालेंगे। तो वहीं तेज गेंदबाजी का कमान उमेश यादव, ईशान शर्मा और मोहम्मद शमी के कंधों पर रहेगी।